नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल और खबरों के संग में मैं हूं मनोज कुमार। आइए सबसे पहले डालते हैं एक नजर आज की हेडलाइंस पर। नया बस स्टैंड से लोहारू पुल तक सड़क निर्माण का कार्य हुआ शुरू। टूटी सड़कों को लेकर सामाजिक संगठनों ने किया था धरना प्रदर्शन। कोरोना वायरस के चलते बाजारों में रौनक हुई कम, दुकानदार हुए मायूस। जनगणना कार्यशाला दूसरे दिन भी जारी। कार्यशाला के दूसरे दिन मोबाइल ऐप और पेपर वर्क की दी गई जानकारी। कोरोना वायरस के चलते नगर परिषद ने किया सार्वजनिक शौचालयों में दवाइयों का छिड़काव। सीवरेज पानी की वजह से क्षेत्रवासी हैं परेशान, नगर परिषद चेयरमैन का ही है वार्ड। चरखी दादी नगर परिषद चेयरमैन ने की प्रेस वार्ता, आयोजित अविश्वास प्रस्ताव पर लगवाई रोक। और अब खबरें विस्तार से। अनेकों बार धरने प्रदर्शन और रोष जताने के बाद बस स्टैंड से लेकर लोहारू फाटक तक बने पुल की सड़क का पुनर्निर्माण शुरू हो ही गया। गौरतलब है कि NH 709E के अंतर्गत आने वाले इस सर्कुलर रोड के पुनर्निर्माण कार्य के लिए करीबन 1.5 करोड़ रुपए की लागत से नई लेयर्स बिछाने का कार्य शुरू हो गया है, ताकि लोगों को किसी भी तरह की परेशानियां न हों। भिवानी नए बस स्टैंड से लेकर लोहारू पुल तक की सड़क की हालत बहुत ही खस्ता हाल हो चुकी थी। इस सड़क के निर्माण को लेकर लेबर क्रांति मोर्चा ने कई बार भूख हड़ताल और आमरण अनशन किया था, जिसके चलते अब नेशनल हाईवे 709E के अंतर्गत आने वाले शहर के सर्कुलर रोड पर निर्माण एजेंसी ने नए रोड का निर्माण कार्य शुरू कर दिया है। इस पुरानी सड़क पर नई लेयर चढ़ाई जा रही है। अग्रसेन चौक, बावड़ी गेट, हलवास गेट, दादरी गेट, हलवास पुल तक तकरीबन 5 किलोमीटर तक खस्ता हाल सड़क पर तकरीबन 1.5 करोड़ की लागत से नई तारकोल की लेयर बिछाने का काम शुरू कर दिया गया है। जब इस बारे में लेबर क्रांति मोर्चा के प्रधान राजेंद्र तंवर से बात की गई तो उन्होंने बताया कि सड़क निर्माण को लेकर कई दिनों तक लेबर क्रांति मोर्चा ने धरना प्रदर्शन किया था, जिसके चलते सड़क निर्माण का कार्य शुरू हो गया है। से लेके पुल तक है लगभग हमारे पोर्शन पूरे हो गए, कम्प्लीटली पोर्शन रह रहे हैं, बस हमारा काम पूरा हो गया लगभग। तो कहाँ से कहाँ तक बना था फिर ये? पुल से लेके बस स्टैंड तक। अभी भी जो हमने जो इनको डिमांड भेजी थी वो सीसी रोड की भेजी थी, लेकिन कल हमारी SDO से बात हुई है, वो ये कह रहा है कि हम 6 महीने के अंदर अंदर सीसी रोड बनवा देंगे। हमने इसका जो है ना वो एस्टिमेट बना के भेजा हुआ है और वो जल्दी हमारे पास पास होके आ जाएगा। तब तक के लिए ये जो ना लेयर डालते हैं एक एक इसकी सड़क के लिए, और अच्छा कोऑपरेट कर रहे हैं हमें ये SDO वगैरह भी और ठेकेदार भी। कल भी मशीन लग रही थी, कल भी रोड बनाया है, और हम इस बात से खुश रहकर कि सरकार ने थोड़ी बहुत प्रशासन ने हमारी सुनवाई की है। कोरोना वायरस का असर अब भिवानी शहर में भी दिखाई देने लगा है। नगर के बाजारों में भीड़ भाड़ कम होने की वजह से यहाँ के दुकानदारों को काफ़ी निराशा हो रही है, क्योंकि लोगों ने एहतियात बरतते हुए घरों से निकलकर भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाना बंद कर दिया है, जिसके कारण दुकानदारों की दुकानदारी लगभग ठप हो गई है। आइए देखते हैं भिवानी हलचल की टीम का सर्वे भिवानी के बाजारों में। कोरोना वायरस के चलते शहर के बाजारों में रौनक कम हो गई है तथा दुकानदारों के चेहरे पर मायूसी साफ दिखने लगी है। शहर के मुख्य बाजार घंटाघर से लेकर बिचला बाजार, सराय चौपटा, नया बाजार में दुकानदार अपनी दुकानों के बाहर मायूस हालत में बैठे दिखाई दिए। दुकानदारों ने बताया कि कोरोना वायरस के चलते उनकी दुकानदारी ठप हो गई है। वो सुबह अपनी दुकान पर आते तो हैं, लेकिन वैसे ही उठकर वापस अपने घर चले जाते हैं। ये कोरोना वायरस जो चल रहा है, इसके कारण पूरा बाजार में ठप हो रहा है, काम धंधे सब ठप हो रहे हैं। हम जिसे यहाँ जहाँ कोई काम धम नहीं है, और बिल्कुल बाजार बिल्कुल खाली है, एकदम कोई भीड़ भाड़ कुछ भी नहीं है। ये कोरोना वायरस से मेरी गुजारिश है गवर्नमेंट से कि इसके ऊपर कंट्रोल किया जाए,
जो कि आम आदमी पब्लिक इतनी दुखी हो रही है उसको। कोरोना वायरस की वजह से हमारे यहाँ सुबह से शाम तक पूरा बाजार खाली रहता है, जैसे सुबह आते हैं वैसे ही हम शाम तक चले जाते हैं, काम बिल्कुल प्रभाव हुआ हुआ है कि सुबह आते हैं और शाम को चले जाते हैं, जैसे आते हैं वैसे ही चले जाते हैं, काम एक पैसे का भी नहीं है फिलहाल। क्या नाम है सर आपका, किसकी दुकान है? मेरा नाम मनोज गोयल है और हमारा बर्तनों का काम है, तो ये है अब इस टाइम बिल्कुल भी कोई काम नहीं है। स्थानीय पंचायत भवन में जनगणना 2021 के लिए चल रही 5 दिवसीय कार्यशाला में दूसरे दिन भी विस्तार से जानकारियां दी गई। मास्टर ट्रेनर्स ने बताया कि इस दौरान फील्ड ट्रेनर्स को पूरी सावधानी बरतनी होगी और चल अचल संपत्ति के सटीक आंकड़े फॉर्म्स में भरने होंगे। इन सभी आंकड़ों का संकलन विशेष तौर पर तैयार किए गए मोबाइल ऐप के द्वारा किया जाएगा। जनगणना 2021 हेतु संबंधित फील्ड ट्रेनर्स और तकनीकी सहायकों की स्थानीय पंचायत भवन में मंगलवार को 5 दिवसीय कार्यशाला के दूसरे दिन जनगणना के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। कार्यशाला में मोबाइल ऐप के साथ साथ पेपर वर्क और हाउस गणना के बारे में जानकारी दी गई। कार्यशाला में मास्टर ट्रेनर ने 5 दिवसीय कार्यशाला के दूसरे दिन मोबाइल ऐप पर कार्य करने के बारे में विस्तार से जानकारी दी और मोबाइल ऐप के साथ साथ पेपर वर्क के बारे में भी बताया। कार्यशाला में फील्ड ट्रेनर्स को बताया गया कि वे पूरी सावधानी के साथ सटीक आंकड़े एकत्रित करें। उन्होंने बताया कि जनगणना कार्य के दौरान मकानों का सूचीकरण कर एक ब्लॉक का रूप दिया जाएगा। इसी प्रकार जनगणना में कोई परिसर, भवन, परिवार, मकानों का नंबर देना, मकानों को वास्तविक नंबर देने का कार्य किया जाएगा। इसी प्रकार से जनगणना के दौरान मकान के कच्चे पक्के होने की स्थिति, परिवार के मुखिया का नाम, कमरों की संख्या, परिवार में रहने वाले विवाहित सदस्यों की संख्या भी शामिल होगी। कार्यशाला के दौरान उन्होंने बताया कि मकानों में पेयजल का स्रोत, प्रकाश का स्रोत, शौचालय सुलभता, गंदे पानी की निकासी का साधन, रसोई घर की स्थिति और उसमें प्रयोग किए जाने वाले ईंधन का भी प्रकार शामिल होगा। उन्होंने बताया कि इस कार्य के दौरान परिवार में रेडियो, टीवी, इंटरनेट सुविधा, लैपटॉप, कंप्यूटर, मोपेड, कार, जी प्रयोग किए जाने वाले इन सब की भी जानकारी जुटाई जाएगी। उन्होंने बताया कि जनगणना कार्य के लिए परिवार के मोबाइल नंबर की भी जानकारी ली जाएगी। मोबाइल पर एक OTP आएगा जिस पर परिवार का मुखिया अपने मोबाइल फोन से ऐप पर अपनी जानकारी खुद ही दे पाएगा। उन्होंने बताया कि जनगणना कार्य के सुगमता पूर्वक संचालन हेतु सभी प्रशासनिक इकाइयों को स्थिर कर दिया गया है और जनगणना के समापन तक इसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। उन्होंने बताया कि जनगणना पहली बार डिजिटल रूप में की जा रही है, जहां प्रगणकों द्वारा सभी आंकड़ों का संकलन विशेष तौर पर डिजाइन किए गए मोबाइल ऐप के माध्यम से ही किया जाएगा। चरखी दादरी के वार्ड नंबर 7 में सीवरेज का पानी गलियों में भर जाने से क्षेत्रवासी काफी परेशान नजर आए। उनका कहना था कि सीवरेज के पानी की निकासी न होने की वजह से उनकी गलियां नरक बन गई हैं, जिसके कारण बीमारियां फैलने का डर उन्हें हर समय सताता रहता है। उन्होंने इस व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए तुरंत प्रशासन से गुहार लगाई है। चरखी दादरी के वार्ड नंबर 7 में सीवर का पानी गलियों में भरने की वजह से वार्डवासी परेशान है। वार्डवासियों ने बताया कि लगातार सीवर का पानी गलियों में भरा रहता है, जिसकी वजह से वार्डवासियों को बीमारी का सामना करना पड़ता है। उन्होंने बताया कि आने जाने वाले लोगों को इस गंदे पानी के बीच से होकर निकलना पड़ता है। वार्डवासियों का कहना था कि वे लगातार विभाग से सीवर व्यवस्था को दुरुस्त कराने की शिकायत दे चुके हैं, लेकिन उनकी शिकायत पर कोई गौर नहीं किया जाता। कभी कभार विभाग के कर्मचारी वार्ड में पहुंचकर सीवर्स को थोड़ा सा साफ कर देते हैं, जिससे पानी निकल जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद ही वापस सीवर भर जाते हैं और गंदा पानी गलियों में भर जाता है। वार्डवासियों ने जल्द से जल्द इस समस्या के समाधान की मांग की। यह आपको बता दें कि वार्ड नंबर 7 से चरखी दादरी के नगर परिषद चेयरमैन संजय छपारिया खुद ही वार्ड पार्षद हैं, लेकिन बावजूद उसके भी उनके वार्ड में गंदगी का आलम है। हाँ जी, यहाँ से कई दिन से परेशानी है, यहाँ रोज सीवर भरे रहते, ना तो पब्लिक हेल्थ वाले संभाल करते हैं, ना SDO गौर करता है इस बात को, ना यो जेई साहब सुनते हैं, जाते हैं इकट्ठे होके, कोई हमारी सुनाई नहीं है। पानी में बुरा हाल है, बच्चे बीमार हैं, बहुत बुरा हाल है, गली में पानी है, एक दिन सीवर खुलता है दूसरे दिन बंद कर देते, कोई सुनाई कोई गोरी नहीं करता, ना SDM करता, ना जेई करता है और ना पब्लिक हेल्थ वाले करते हैं। कितने समय से परेशानी है ये जी? एक हफ्ते से परेशानी है, एक हफ्ते से बुरा हाल। आज सभी को मालूम है कि हमारा देश कोरोना वायरस से ग्रस्त है और हमारी कॉलोनी के अंदर इतना गंद फैल रहा है, तो हफ्ते से ऊपर होकर के ये सीवर रुके पड़े हैं, सारा पानी
कॉलोनी के ऊपर बह रहा है। बच्चे हमारे घर से बाहर नहीं निकल रहे, सभी बच्चे बीमार पड़े हुए हैं, रोज़ डॉक्टरों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। कई बार हमने कमेटी के चक्कर काटे हैं, कई बार संजय छपारिया साहब से भी मिले हैं और DC को भी हमने ज्ञापन दिया है, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और हम अतिरिक्त रूप से इतने परेशान हैं कि ये ना तो कोई खाना खा पा रहे हैं, ना कुछ खा पा रहे, बाहर भी निकलते हैं बच्चे तो स्कूल भी नहीं जा पा रहे हैं। सारा इतना गंद हो रहा है, ना तो कोई कमेटी वाले, ना कोई जई, ना कोई कि मैं नहीं छपारिया पूरे कोई बिल्कुल नहीं सुने। ज़्यादा टाबर ना तो स्कूल तो जाने रह रहे हैं, कदे बुखार और कदे बीमारी और कदे कि मैं डॉक्टर के ले भाजा हैं, सारी दुकानदारी सारी ठप पड़ी हैं। इस गंदे पानी से टाबर ना आवे ना जावे, हर किसी बुरा हाल हो रहा है, कितना ज़बरदस्त हो रहा है। अगर नुए रहे तो ये तो फिर वह कॉलोनी खाली करके भागना पड़ेगा जी। कोरोना वायरस भिवानी में अपने पाँव पसारे इससे पहले ही एहतियात के तौर पर नगर परिषद ने सार्वजनिक स्थलों पर और विशेष रूप से शौचालयों पर दवा का छिड़काव शुरू कर दिया है। नगर परिषद अधिकारी विकास कुमार ने बताया कि भारत सरकार के निर्देशानुसार सभी सार्वजनिक शौचालयों में दवा का छिड़काव भविष्य में भी जारी रहेगा, ताकि लोगों के स्वास्थ्य का ध्यान रखा जा सके। कोरोना वायरस से निपटने के लिए हर जगह प्रयास किए जा रहे हैं, वहीं भिवानी प्रशासन ने भी इसके लिए पुख्ता कदम उठाए हैं। इसी के तहत नगर परिषद द्वारा शहर भर में सार्वजनिक शौचालयों में दवाइयों का छिड़काव कराया जा रहा है। नगर परिषद अधिकारी विकास ने बताया कि नगर परिषद के माध्यम से तथा भारत सरकार के निर्देशानुसार शहर भर के शौचालयों की सफाई की जा रही है और साथ ही साथ यहाँ दवाइयों का छिड़काव भी किया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि भविष्य में भी ये कार्य जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि लोगों को वे स्वच्छता का संदेश भी दे रहे हैं, क्योंकि इस बीमारी से कहीं ना कहीं स्वच्छता से ही लड़ा जा सकता है। नगर परिषद के माध्यम से सरकार के उचित दिशा निर्देशानुसार शहर में स्थित सभी शौचालयों की उचित सफाई व्यवस्था करवाई गई है और उसमें सैनिटाइजर का प्रयोग करते हुए छिड़काव करवाया गया है, इसको भविष्य में जारी रखा जाएगा। चरखी दादरी के कुछ पार्षदों द्वारा नगर परिषद चेयरमैन के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, जिस पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने स्टे का आदेश दे दिया है। यह कहना था नगर परिषद के चेयरमैन संजय छपारिया का। एक प्रेस वार्ता कर पत्रकारों के माध्यम से उन्होंने बताया कि हरियाणा सरकार की धारा 21 अमेंडमेंट के अनुसार सितंबर 2019 के बाद किसी भी चेयरमैन के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। चरखी दादरी के नगर परिषद कार्यालय में नगर परिषद चेयरमैन संजय छपारिया द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने पत्रकारों को बताया कि चरखी दादरी के कुछ पार्षदों द्वारा उनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा था, जिसके विरोध में उन्होंने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में पहुंचे थे और पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने उन्हें अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ स्टे ऑर्डर दे दिया है। अब कोर्ट के अगले आदेशों तक अविश्वास प्रस्ताव पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। उन्होंने बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा धारा 21 में किए गए अमेंडमेंट में बताया गया था कि 4 सितंबर 2019 के बाद किसी भी चेयरमैन के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता, जिसको देखते हुए पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने उन पर लाए जा रहे अविश्वास प्रस्ताव पर रोक लगा दी है। प्रेस वार्ता के दौरान नगर परिषद चेयरमैन संजय छपारिया ने कहा कि उनकी और उनके परिवार को जान का भी खतरा है और उन्हें स्थानीय विधायक द्वारा झूठे मुकदमा भी फंसाए जाने का डर है, जिसको देखते हुए उन्होंने चरखी दादरी पुलिस स्टेशन में एक शिकायत भी दर्ज कराई है, ताकि उनकी और उनके परिवारजनों की जान की रक्षा हो सके। आपको बता दें कि 18 मार्च 2020 को नगर परिषद चेयरमैन के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग होनी थी, लेकिन इससे पहले ही पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा उस पर रोक लगा दी गई है, जिसके बाद प्रशासन ने कोर्ट के अगले आदेश आने तक हर कार्रवाई को रोक दिया है। पिछले विधानसभा चुनाव के बाद स्थानीय विधायक मेरे विरोध में अविश्वास प्रस्ताव हमारे कुछ साथी पार्षदों को बहकाकर मेरे खिलाफ 26 तारीख को माननीय उपायुक्त महोदय से मिले थे। 28 तारीख को उपायुक्त महोदय ने SDM साहब को मेरे खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की आज 18 तारीख के लिए वोटिंग करानी थी। इसको लेकर मैं माननीय हरियाणा पंजाब उच्च न्यायालय में चला गया था। माननीय पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय ने 4 सितंबर 2019 को हरियाणा सरकार ने नई अमेंडमेंट की थी, उसके तहत चेयरमैन के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं आ सकता। इस आधार पर माननीय उच्च न्यायालय ने मेरे को स्टे दिया है, मैंने अधिकारियों को अवगत करा दिया है। अब मेरे को अंदेशा है स्थानीय विधायक मेरे ऊपर झूठे मुकदमे बनवाने की फिराक में है। इसके लिए मैंने आज श्रीमान SHO साहब और उच्च अधिकारियों को एक निवेदन पत्र दिया है,
मेरे को ज्यादा जल्दी से बचाया जा सके और मेरे व मेरे परिवार की रक्षा की जा सके। और अब जाने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। नया बस स्टैंड से लोहारू पुल तक सड़क निर्माण का कार्य हुआ शुरू। टूटी सड़कों को लेकर सामाजिक संगठनों ने किया था धरना प्रदर्शन। कोरोना वायरस के चलते बाजारों में रौनक हुई कम, दुकानदार हुए मायूस। जनगणना कार्यशाला दूसरे दिन भी जारी। कार्यशाला के दूसरे दिन मोबाइल ऐप और पेपर वर्क की दी गई जानकारी। कोरोना वायरस के चलते नगर परिषद ने किया सार्वजनिक शौचालयों में दवाइयों का छिड़काव। सीवरेज पानी की वजह से क्षेत्रवासी हैं परेशान। नगर परिषद चेयरमैन का ही है वार्ड। चरखी दादी नगर परिषद चेयरमैन ने की प्रेस वार्ता आयोजित। अविश्वास प्रस्ताव पर लगवाई रोक। हमारे संग में बस इतना ही। अगले के लिए देखते रहेगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।